जापानी कार्ड प्लेइंग टूर्नामेंट में भाग लिया। चलो देखते हैं। ओह, नागुची-सान। सकुरा-सान, होनामी-सान, क्या तुम लोग मेरे साथ अगले रविवार जापानी कार्ड प्लेइंग टूर्नामेंट में भाग लोगे? क्या, कार्ड प्लेइंग टूर्नामेंट में? हाँ, भाग लेने के लिए 3 लोगों की टीम जरूरी है। मुझे माफ कर दो नागुची-सान, मुझे इस रविवार बाहर जाना है। लेकिन इसमें जीतने वाले को बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। क्या, वो इनाम क्या है? एक कॉमेडी शो की टिकट और 5,000 येन का एक बुक कूपन। वाह, क्या बात है, तब तो मैं जरूर भाग लूंगी। मारुचैन। ओह, क्या तुम लोग मुझे भी अपने साथ लोगे? अरे फुजुकी, तुम यहाँ कब आए? तुम क्या कहती हो नागुची-सान? हाँ ठीक है, जितनी जल्दी टीम बनेगी उतनी जल्दी ही हम प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगले दिन, ये लो, इन 100 पोएम्स को याद करना मुश्किल है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब 10 पोएम्स याद करें। क्या, 100 पोएम्स? हाँ, मैं कर लूंगा। लेकिन एक मिनट, उस कार्ड प्लेइंग गेम से इन कविताओं का क्या लेना देना है? क्योंकि ये टूर्नामेंट सबसे फेमस 100 कविताओं पर है। क्या, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? ये मुझसे नहीं होगा। मैंने एंट्री ले ली है तो अब तुम मना नहीं कर सकती। मुझे ऐसे मत छोड़ो सकुरा-सान। चिक 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 चिक। इसे कई तरीकों से खेला जा सकता है, लेकिन हम इसे नॉर्मल कार्ड गेम की तरह ही खेलेंगे। ज्यादा कार्ड जीतने वाला ही इस गेम को जीतेगा, समझे? तुम्हें ऐसे कार्ड को उठाना है। अरे लेकिन इसमें ये क्या लिखा है? जब इनमें से एक पोएम को पढ़ा जाए तो तुम्हें उस कार्ड को उठाना है जिसमें उसका आखिरी हिस्सा होगा। पोएम का आखिरी हिस्सा? झिंगुरों की आवाज़ें हमें ठंडी रातों में सुनाई देती है। मैं भी यहाँ अपनी गर्म रजाई के अंदर बैठी हूँ। पढ़ने वाला जैसे ही पहले शब्द झिंगुरों की आवाज़ बोले, वैसे ही तुम्हें वो कार्ड उठाना है जिसमें बाकी की पोएम हो, और इसी तरह से हमें इस गेम को खेलना होगा। इसका मतलब इन कविताओं को याद किए बिना नहीं खेल सकते? इसका मतलब इन कविताओं को याद करने से जरूर जीत सकते हैं। फुजुकी, तुम कुछ ज्यादा ही उत्सुक लग रहे हो। वो इस कार्ड प्लेइंग टूर्नामेंट को जीतने से कॉमेडी शो के 2 टिकट मिलेंगे। मुझे इस कॉमेडी शो को देखना है। सासायामा-सान, ठीक है, मुझे सासायामा-सान को उस कॉमेडी शो में ले जाने के लिए जीतना ही पड़ेगा। झिंगुरों की आवाजें हमें ठंडी रातों में सुनाई देती है। 10 कविताओं को याद रखना बहुत मुश्किल है। नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हो गया मारुको? 100 कविताओं वाला कार्ड गेम, मैंने ये बहुत पहले खेला था। दादाजी, आपने इसे खेला है? तागो के तट से मैं माउंट फूजी के ऊपर मौजूद बर्फ को महसूस कर सकता हूँ। दादाजी, आप लाजवाब हैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो बस यही एक कविता याद है। इस कविता को माउंट फूजी की खूबसूरती पर लिखा गया है, इसलिए शिजुओका के लोग इस कविता को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सच में? तब तो मैं भी इसे याद कर सकती हूँ। लेकिन एक कविता को याद करने से मैं चैंपियन नहीं बन सकती। चैंपियन? रविवार को जापानी कार्ड टूर्नामेंट में भाग ले रही हूँ। मुझे चैंपियन बन के फर्स्ट आना है, तब कॉमेडी शो के 2 टिकट मिलेंगे। 2 टिकट? मारुको मेरे साथ कॉमेडी शो में जाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। मारुको, बहुत अच्छे, तुम जरूर जीतोगी। कुछ दिनों के बाद, मैंने अब तक 7 कविताएं याद कर ली है। मैंने तो शायद 4 ही याद की होंगी। हेलो, हेलो। दादाजी इस खेल में बहुत ही माहिर है, ये हमारी प्रैक्टिस करवाने में मदद करेंगे। मैं तुम सभी को सिखा दूंगा, चलो शुरू करते हैं। कुदरत की इन खूबसूरत कारनामों को हम। तुम तो बहुत तेज हो नागुची-सान। मेरे पास तो 5 कार्ड्स हैं, और सकुरा-सान। सकुरा-सान, माफ करना, लेकिन मुझे समय पर कविताएं याद नहीं आती है। इन कविताओं को याद करने का एक आसान तरीका है। क्या? हर कविता किसी शब्द से शुरू होती है। जैसे कि अगर ये किरी शब्द से शुरू होता है, तो इस शब्द से कोई और कविता शुरू नहीं होगी। तो जब भी किरी बोला जाए, तुम्हें इस कोरोमो कार्ड को उठाना है। किरी और कोरोमो? हाँ, किरी सुनते ही तुम्हें कोरोमो वाला कार्ड उठाना है, और हम साथ में कहेंगे किरी कोरोमो। नागुची-सान, तुम भी ऐसे ही याद करती हो? किरी कोरोमो।
अकेले रहने पर मैं बाहर निकल जाता हूँ और अपने अकेलेपन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अकेला महसूस करते हो, मुझे माफ कर दो। इस हरे हरे मैदानों में मैं अपने एहसासों को छिपाता हूँ। ये वाला फूजी की क्या बात है। मैंने इस कविता के मतलब को जानकर इसको याद किया है। ये कविता एक गुप्त प्रेम कहानी के ऊपर है। मुझे इस कॉमेडी शो के लिए टिकट जीतना ही पड़ेगा। तूफान टल चुका है इन पहाड़ों से। उसके कपड़े हवा में उड़ने लगे। और टूर्नामेंट के दिन, ये है पहला राउंड। मुझे पता नहीं था तुम लोग भी खेल रहे हो। मैं तुम लोगों को कॉमेडी शो की टिकट जीतने नहीं दूंगा। हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे। साकुरा-सान और फुजिकी के जगह हमें नोगुची-सान पर ध्यान देना चाहिए। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मैंने तो बस एक ही कविता याद की है। मैंने भी तो बुक कूपन के लिए बहुत मेहनत की है। तुम लोग यामाने को नहीं जानते, उसने लगभग 20 पॉइंट्स को याद किया है। क्या? तो चलो हम खेल शुरू करते हैं। जिन कविताओं को मैंने याद किया है उनके कार्ड्स यहाँ, यहाँ और यहाँ है। बहुत समय हो चुका है सूरज की रोशनी से। ये तो बहुत तेज है यामाने, अब सब तुम पर है। मुझे माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। ये वाला। कोशिश करती रहो मारुको। नहीं, मुझे साकुरा से ज्यादा कार्ड्स चाहिए। मैं अपने याद किए हुए सभी कार्ड्स को लूंगी। दागों के तट से बाहर निकलते हुए। ये रही मारुको शिजुओका वाली कविता। मैं माउंट फूजी के ऊपर मौजूद बर्फ को महसूस कर सकती हूँ। शांत रहिए। हमारे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। तुमने देर कर दी। मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि हम जीत गए। अब लगता है हम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। ये बस पहला राउंड था, तो अभी से जीत का जश्न मत मनाओ। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे ही जीतते रहना होगा। हाँ, हमें जीतना होगा। ससायामा-सान, साकुरा-सान, तुमने भी इसमें भाग लिया है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ खेलने वाली हो। मुझे तो बस वो कॉमेडी शो देखना है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं ससायामा-सान को जीतने दूँ? लेकिन अगर ससायामा-सान जीत गई तो क्या वो मेरे साथ कॉमेडी शो में जाना चाहेगी? अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे उसके साथ जाना है तो ये गेम मुझे जीतना ही होगा किसी भी हालत में। अब क्या करूँ? ये वाला। मेरे ख्यालों में ये सारी दुनिया। ये वाला। ये वाला। ससायामा-सान की टीम तो बहुत अच्छा कर रही है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हमें हमारे वादों को निभाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये वाला। ये गलत कार्ड है, तुमने गलत कार्ड उठा लिया। माफ करना। कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं तो लोग गलत कार्ड उठा सकते हैं। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो ससायामा-सान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। इन हरे हरे मैदानों में। अरे, ये तो मेरी और ससायामा-सान वाली कविता है। जीतने के लिए ये कार्ड बहुत जरूरी है। ससायामा-सान, इसे तुम उठा लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखो, ससायामा-सान की टीम चैंपियन बन गई। साकुरा-सान। ससायामा-सान, तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। साकुरा-सान, मैं ये टिकट तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या? सच में? हम सभी के पास दो लोगों की टिकट है। मैं उचिडा-सान के साथ जा रही हूँ। अगर चाहो तो तुम और नोगुची-सान इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हें कॉमेडी बहुत पसंद है। तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर ससायामा-सान किसके साथ जा रही है? क्या वो मेरे साथ जाएगी? मैंने उसके लिए वो कार्ड छोड़ दिया। ससायामा-सान, तुम किसके साथ जा रही हो? मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। फूजी की ही वो बदकिस्मत था जो इतनी मेहनत करने के बाद भी उस कॉमेडी शो में नहीं जा सका। नए साल की इतनी बुरी शुरुआत के बाद भी उसे लगता है कि कभी न कभी वो कविताएं उसकी काम आएंगी।
फॉर्चून स्लिप में हनावा कुन की किस्मत तो बहुत ही खराब निकली है। चलो देखते हैं। न्यू ईयर बहुत ही जल्दी आ गया है ना? हाँ, सच में। सकुरा। हनामी। पूजी की नगासावा। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हे एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। हनावा कुन, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक न्यू ईयर पार्टी से वापस आ रहा हूँ। तुम्हारे ही मजे हैं। मेरा तो ये न्यू ईयर भी बहुत बोरिंग जा रहा है। क्या बात है नागासावा? फॉर्चून स्लिप में मेरी किस्मत खराब निकली है। हाँ, मेरी भी। क्या? ओ नहीं, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें तो हर दिन खुशी से जीकर अपने आप को खुश रखना चाहिए। ये फॉर्चून स्लिप क्या है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। मैंने भी नहीं। तो चलो हम भी जाकर ट्राई करते हैं। मैंने भी अब तक नहीं किया है। तुमने सही कहा, मेरे न्यू ईयर गिफ्ट के पैसे वही खर्च करूंगी। मेरी किस्मत अच्छी है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपके सभी ख्वाब पूरे होंगे। आप हर जगह जीतेंगी। मुझे तो अब इस न्यू ईयर में बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी किस्मत, ये खराब किस्मत होने से तो अच्छा है। नागासावा-कुन, क्या फॉर्चून स्लिप बार बार निकालना सही होगा? फुजिकी-कुन, तुम्हारी किस्मत भी ठीक ठाक है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। जिस दिन तुम्हारी किस्मत भी खराब निकलेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा लग रहा है। क्या बात है हनावा-कुन? सबसे बुरी किस्मत, आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। आपको पढ़ाई में भी परेशानियाँ होंगी। आप जिसे चाहते हैं वो कभी नहीं आएंगे। इसकी किस्मत फिर से बुरी निकली। तुम परेशान मत होना हनावा-कुन। हाँ, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आप लोगों का शुक्रिया लेडीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। दो बार बुरी किस्मत आने का मतलब सच में कुछ बुरा होने वाला है। नागासावा। कुछ दिनों के बाद। वो दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। स्कूल को शुरू हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। सभी सुनो, आज तुम सभी का एक टेस्ट होगा। क्या? न्यू ईयर की शुरुआत में टेस्ट होना अच्छी किस्मत नहीं है, और ये तो बहुत मुश्किल भी लग रहा है। और अगले दिन। आज मैं सभी को टेस्ट पेपर्स वापस दूंगा। नहीं, अब क्या होगा? पता नहीं मुझे कितने मिले हैं। साकुरा-सान। क्या 70 मार्क्स? होनामी-सान। मुझे तो लगा था मैंने सब कुछ गलत किया होगा। इसका मतलब वो फॉर्चून स्लिप सच निकला। 50 मार्क्स। हनावा-कुन, तुम टेस्ट देते समय किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे क्या? देखो, तुमने जवाब देने के तरीके में ही गलती की है। जहाँ 2 जवाबों की जरूरत थी, तुमने वहाँ बस 1 ही लिखा है। आपको पढ़ाई में परेशानियाँ होंगी। तुम्हें अगले टेस्ट में बहुत अच्छा करना है, ठीक है? ये फूल तो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा। हाँ। छोटे मालिक, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? जी। रुकिए छोटे मालिक। उस जगह को अभी पेंट किया गया है। और अगले दिन। हनावा-कुन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हनावा-कुन आज अजीब लग रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। हेलो हनावा-कुन, तुम्हारा ये नया हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है। क्या सच में? मैं बस अपना लुक बदलना चाहता था। लेकिन तुम्हारा पुराना हेयर स्टाइल ही ज्यादा सही था। तुमने ऐसा कैसे कहा? हनावा-कुन हर हेयर स्टाइल में बहुत ही अच्छा दिखता है।
अरे नहीं, उस फॉर्चून स्लिप ने तो मुझे परेशान करके रखा है। अरे हाँ, मैं अपने फेवरेट परफ्यूम की खुशबू से अपना मूड ठीक कर सकता हूँ। वाह, इसकी खुशबू तो मुझे फ्रांस की याद दिलाती है। मुझे लगता है और थोड़ा लगाना चाहिए। अरे ये क्या? और अगले दिन ये खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। पता नहीं आज अनावाकुन कैसा है। तामाचिन, क्या तुम्हें पता है कल मुझे अपने डेस्क ड्रॉअर में से 1000 येन मिले। क्या? मैं अपने न्यू ईयर गिफ्ट के पैसे वहाँ रख कर भूल गई थी। शायद मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। वो फॉर्चून स्लिप तो सच में सच बताती है। वाह, पता नहीं आगे मेरे साथ और क्या अच्छा होने वाला है। मुझसे तो अब रहा नहीं जाता। और स्कूल खत्म होने के बाद हिदे अंकल आप कितना काम करते हैं? हिदे अंकल, देर करने के लिए माफी चाहता हूँ। वो आज मैं क्लीनिंग ड्यूटी करना भूल गया था, इसलिए मुझे मिस माइडा से डांट सुननी पड़ी। तुम्हारी वजह से हम सभी को डांट सुननी पड़ी। मुझे माफ करना। वैसे हिदे अंकल, क्या आपको मॉम की कोई खबर मिली? तुम्हारी मॉम? हाँ, वो इस हफ्ते घर आने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो छोटे मालिक, मैं आपको बताना भूल गया था कि थोड़ी देर पहले मैडम का फोन आया था। कह रही थी कि वो अपने बिजनेस के चलते शायद घर ना आ पाए। क्या? अच्छा, वो भी क्या कर सकती है, उन्हें बिजनेस भी तो देखना है। तुम सब मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। चलो फिर मिलते हैं। अनावाकुन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। उस फॉर्चून स्लिप के बाद से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसकी किस्मत को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे नागासवा, तुम ऐसा मत बोलो। तुम लोगों की किस्मत अच्छी और ठीक ठाक आई है। तुम बुरी किस्मत वाले लोगों का दर्द महसूस नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह छोटे मालिक, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है, तुम सब एक साथ, फुजी की कून और नागासावा कून भी? हम सबको तुमसे बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है? सुनो, बुरी किस्मत का मतलब है कि तुम्हारी किस्मत अभी बदलने वाली है। क्या? इसका मतलब तुम्हारे साथ अभी बुरा हो रहा है, लेकिन इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारी किस्मत अब ठीक ठाक हो चुकी होगी, इसका मतलब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? हमने मंदिर में मौजूद आंटी से पूछा था। ओह, तुम लोग पिछले दिन भी यहाँ आए थे ना? पिछली बार हमारे एक दोस्त की किस्मत बहुत बुरी निकली थी, इसलिए हम उसके लिए अच्छी किस्मत मांगने आए हैं। क्या? सबसे बुरी किस्मत बहुत कम लोगों को मिलती है, और वो अच्छी किस्मत से भी ज्यादा रेयर होती है। क्या सच में ऐसा है? अगर ये एक लॉटरी होती तो तुम्हारा दोस्त उसे जीतकर विदेश घूमने जा रहा होता। विदेश घूमने? हाँ, देखो, अगर तुम्हें बुरी किस्मत वाली फॉर्चून स्लिप मिलती है तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत अच्छी होने वाली है। हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचना? तो हनावाकुन, सब ठीक हो जाएगा। बुरा होने के बाद अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी तुम हम सबसे बहुत अमीर हो। क्या? सच में? ठीक है, शुक्रिया। छोटे मालिक, पता है मैडम का अभी अभी फोन आया था। क्या? भले उन्हें थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो घर जरूर आएंगी। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। मैंने कहा था ना हनावाकुन। और अगले दिन अब मैं तुम्हें कल के टेस्ट पेपर्स देने वाला हूँ। क्या? सिर्फ 30 मार्क्स?
वैसे भी मैंने पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन वो फॉर्चून स्लिप। सकुरा-सान, अगली बार थोड़ी और मेहनत करना। जी, ठीक है। अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा करने के कारण मारुको ने टेस्ट के लिए पढ़ाई की ही नहीं थी, लेकिन अब ये बोलना गलत नहीं होगा कि मॉम जब ये मार्क्स देखेंगी तो मारुको को सजा मिलेगी।